कोरबा जिले की निगरानी बदमाश आदतन अपराधी और पिछले दिनों गढ़ कलेवा घंटा घर में हत्या का प्रयास और बलवा तथा आर्म्स एक्ट के अपराध को अंजाम देने वाले 14 अलग अलग मामलों के नामजद और जिला बदर के प्रस्तावित फरार आरोपी सूरज हथठेल की शनिवार तड़के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले में एसपी ने दर्री थाना के कुछ पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि सूरज के द्वारा 18 जुलाई की रात पाली थाना क्षेत्र में स्कूटी की लूट को अंजाम दिया गया था। उस मामले में भी उसकी तलाश हो रही थी। 19-20 जुलाई की मध्य रात 1:30 बजे सूरज को दर्री पुलिस ने हिरासत में लिया और चूंकि उसके विरुद्ध सिविल लाइन थाना में गंभीर अपराध दर्ज है, इसलिए आज तड़के करीब 5:30 बजे उसे सुपुर्द करने की कार्रवाई की गई। इसके बाद सूरज को सुबह करीब 6:45 बजे सिविल लाइन स्टाफ द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूरज हथठेल की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चलेगा। लेकिन इससे पहले दर्री थाना के एक एसआई सहित 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया गया है। मामले में विधि सम्मत जांच कराई जाएगी। देखिए, दिनांक 19 और 20 की दरमियानी रात को लगभग 1:40 पर सूरज हथठेल, जिसके ऊपर पूर्व में लगभग 14 अपराध दर्ज हैं, हाल में सिविल लाइन के थाने में धारा 307, 147, 148, 149 तथा 2527 आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है तथा इस व्यक्ति के द्वारा 18 तारीख को थाना पाली क्षेत्र अंतर्गत एक स्कूटी की भी लूट की घटना कारित की गई, जिसमें 19 तारीख को एक एफआईआर दर्ज की गई है। इसको रात सुबह लगभग 1:40 पर एनटीपीसी रेलवे क्रॉसिंग ओल्ड साइलो के पास एनटीपी थानाधरी के स्टाफ के द्वारा पकड़ा गया। उसके बाद इनको, क्योंकि ये नामजद आरोपी था 307 का, 147, 148, 149 एंड ये निगरानी बदमाश है सीएसीबी पुलिस सहायता केंद्र का, और वर्ष 2022 में सूरज हथठेल के खिलाफ जिला बदर का प्रकरण भी माननीय दंडाधिकारी को प्रेषित किया गया था। इसलिए इन वहां से लगभग सुबह 5 बजे इनको सिविल लाइन के स्टाफ को ट्रांसफर किया गया और 5:30 बजे के आसपास ये लोग सिविल लाइन पहुंचे और 5:45 पर जब उसको अस्पताल लेके जाया गया तो डॉक्टर्स ने उसको ब्रॉट डेड घोषित किया है। इसके अंदर हम NHRC की गाइडलाइंस के अनुसार अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और जो पहली पार्टी थी जो कि थाना दर्री लेके आए थे, उन लोगों को हम जांच कर रहे हैं, इसलिए उनको अभी निलंबित करके हमने लाइन अटैच किया है। हम इसके अंदर वैधानिक कार्रवाई आगे कर रहे हैं। देखिए, पोस्टमार्टम के बाद हमको समझ में आएगा।